वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. विद दिस लेक्चर बेटा हम शुरू कर रहे हैं IGST. डोंट गेट सरप्राइज, आई नो अभी हमारे कुछ चैप्टर्स CGST के रहते हैं, बट बच्चे जो अब CGST के हमारे टॉपिक्स रहते हैं, लाइक हमारा रिफंड है, असेसमेंट है, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, बेटा ये कॉमन टॉपिक्स हैं हमारे IGST के साथ भी, UTGST के कॉमन टॉपिक्स हैं. तो और ये सारा का सारा थियोरेटिकल पोर्शन है प्योरली, ठीक है, एंड लेस इंपॉर्टेंट. तो करेंगे, सारा कवर कराऊंगा, मगर अभी नहीं, उसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है. सो IGST के साथ इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं, और यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे IGST का बेसिक कंसेप्ट. IGST किस पर लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ. सो कब एक सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव छोटा सा लेक्चर रहेगा, और MCQ उसमें से कम एक MCQ तो बेटा बनकर आएगा, ठीक है, MCQ बनकर आएगा. सो कब एक सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को या दोनों को हमारा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज माना जाएगा, सो दैट वी कैन लिव ई IGST देयर ऑन, ठीक है. नोट्स ओपन कर लीजिए, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 56. ये है टॉपिक नेचर ऑफ सप्लाई, 22 पेज पर बेटा, ठीक है, पेज नंबर 22 पर नेचर ऑफ सप्लाई. अच्छा, इंट्रा स्टेट अगर हम बात करें बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई कब माना जाएगा एक सप्लाई को, इंटर स्टेट सप्लाई कब माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई दो हैं बेटा यहां पर. नंबर वन इंटर स्टेट सप्लाई, एक तो यहां पर जो इंपोर्ट ये है बेटा, ये कवर होता है इंपोर्ट. इंपोर्ट को क्या ट्रीट किया जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई. मतलब अगर हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा. मतलब बेटा इंपोर्ट के ऊपर अब लगता है GST, इंपोर्ट के ऊपर लगता है GST, और यही कारण है अब GST का इंपैक्ट हमारी कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन पर भी पड़ता है, ठीक है. हमने डिस्कस किया था 17 टैक्सेस एंड ड्यूटीज को बेटा सब्ज्यूम किया गया था, ठीक है. इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जब इनको मर्ज किया गया तो एक्साइज ड्यूटी एंड जब सेल्स टैक्स को बेटा खत्म किया गया तो कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करते हुए दोनों ऐड होते थे, ठीक है. तो अब इसकी जगह IGST लगता है. तो आपके कोर्स में तो ये नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर आप इसे डिस्कस करेंगे, बट अभी इंटर स्टेट सप्लाई. तो इंपोर्ट को बेटा इंटर स्टेट सप्लाई अब ट्रीट किया जाता है, मतलब इंपोर्ट के ऊपर चार्ज किया जाएगा GST, एंड टू बी स्पेसिफिक इसके ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा? IGST, ठीक है, IGST हो जाएगा. तो हमारा एक पार्ट रहेगा इंपोर्ट हमारे पास रहेगा, दूसरा, ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसीवर आर इन डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी. जब सप्लायर की लोकेशन एंड रिसीवर की लोकेशन दो अलग अलग स्टेट में है या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है या एक स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, तो इस सप्लाई को माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, और बेटा इसके ऊपर चार्ज होगा IGST, ठीक है. तो अब एक बार चेक करते हैं, गो थ्रू करते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है IGST का, फिर इसको मैं समझाऊंगा आपको. पेज नंबर 56 पर टेबल बनी हुई है. फर्स्ट टेबल, फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, फॉलोइंग सर्विसेज एंड गुड्स. अभी छोटी मोटी मिस्टेक तो अब इंस्टीट्यूट की आदत हो गई है. सो बेटा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. सप्लाई ऑफ हेडिंग हमारे पास है बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स हो सर्विसेज हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है. सप्लाई ऑफ वेयर लोकेशन ऑफ ए सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल, जब सप्लायर एंड रिसीवर दो अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड हैं, तो चाहे गुड्स हों या सर्विसेज हों, इसे इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और इसके ऊपर IGST लगेगा,
ठीक है। इंपोर्ट के केस में गुड्स के लिए कहा गया है टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। और सर्विसेज के लिए नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या है थोड़ा सा आइए इसको हम देख लेते हैं, पहले इंपोर्ट को बाद में करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट को फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, जब विद इन इंडिया है तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है। जब विद इन इंडिया है तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। अगर दिल्ली से गुड्स मुंबई सप्लाई किए गए, अगर दिल्ली से गुड्स मुंबई सप्लाई किए गए, तो दिल्ली और मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है, दो स्टेट अलग आ गई, तो बेटा ये क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, और इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा। अगर दिल्ली से, अच्छा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है मगर क्योंकि अपना लेजिस्लेचर है तो इसको यूनियन टेरिटरी नहीं, स्ट्रेट ट्रीट किया जाता है जीएसटी में। अगर दिल्ली से अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आइलैंड दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यहां पर एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, यहां पर दिल्ली स्टेट है और अंडमान निकोबार बेटा यूनियन टेरिटरी है, तो इसको भी इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अगर दमन एंड दीव से यूनियन टेरिटरी है, गुड सप्लाई किए गए हैं अंडमान, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो बेटा इसे भी इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब अगर दिल्ली से दिल्ली में ही गुड सप्लाई किए गए, आगरा से, आगरा यूपी का पार्ट है, ठीक है, कानपुर में गुड सप्लाई किए गए या सब गुड सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ये यूपी के पार्ट हैं, तो बेटा ये दोनों सेम स्टेट में है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। तो इस चैप्टर में ये बता रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, तो जब दो स्टेट्स के बीच में, दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ठीक है, सप्लाई की जाती है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, वो गुड्स की भी हो सकती है सर्विसेज की भी हो सकती है, ठीक है। मगर जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट का कंसेप्ट क्या है, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में गुड्स के लिए क्या कहा गया है, ठीक है, तो पहले गुड्स के लिए, अब मान लीजिए यूएसए से गुड्स इंडिया आ रहे हैं, अब इंडिया में पहले ये गुड्स कहां पर आएंगे, मान लीजिए ये गुड्स आ रहे हैं मुंबई कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन मतलब जहां पर कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो बैठा है, वो अपनी कैल ड्यूटी चेक करेगा और फिर गुड्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गुड्स हैं ये शिप से मुंबई पोर्ट पर आ रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया में एंटर कर रहे हैं, कस्टम बैरियर क्रॉस कर गए, कस्टम बैरियर क्रॉस कर गए, तो कस्टम बैरियर मतलब जो कस्टम स्टेशन है वहां पर आ गए और ड्यूटी पे कर दी, और अब यहां से इन गुड्स को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो बेटा यहां तक ध्यान रखना बेटा, यहां तक हमारा ये जो है यहां पर आईजीएसटी है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है, ये जो गुड्स हैं कुछ दिल्ली में ट्रांसफर किए गए, कुछ मुंबई में ही, ठीक है, मुंबई की अगर बात करें, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मुंबई नहीं, इसको हम पुणे कर देते हैं, पुणे, पुणे, तो बेटा ये नहीं देखेंगे कि गुड्स यूएसए से चले और दिल्ली आ रहे हैं, यूएसए से चले और पुणे आ रहे हैं, जी नहीं, पहले उसको कस्टम बैरियर तक चेक करो। तो जब यूएसए से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो इसे बेटा ये हमारा क्या है, इंपोर्ट, ये हमारा क्या है, इंपोर्ट, इंपोर्ट को
इंपोर्ट के ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब जब गुड्स मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं तो बेटा ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई, इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी। मगर जब मुंबई कस्टम स्टेशन से पुणे में आ रहे हैं तो बेटा मुंबई और पुणे बोथ आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, दोनों महाराष्ट्र का पार्ट है, तो ये क्या होगी, ये होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो हम ये नहीं देखेंगे कि गुड्स यूएसए से चले हैं और कहां पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, यूएसए से चले हैं कहां पहुंचे हैं, पुणे में, क्योंकि जब गुड्स की बात करते हैं तो पहले उन्हें इंडिया में कस्टम स्टेशन से क्रॉस करना होता है, कस्टम बैरियर। गुड्स ऐसे नहीं है कि वहां से फेंके तो यूएसए में एक बंदा बैठा, उसने कहा ये लो सामान और फेंक दिया और आपने बैठे आपने कहा आ गया, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल बट इट हैज टू गो थ्रू कस्टम स्टेशन। और अगर आप कस्टम से नहीं ला रहे हैं फिर तो स्मगलिंग कहलाती है, ठीक है, फिर तो स्मगलिंग है। ओके, तो गुड्स यूएसए से आ रहे हैं, गुड्स फिजिकल फॉर्म में है तो पहले इन्हें बेटा कस्टम बैरियर से क्रॉस करवाना पड़ेगा, ठीक है, कस्टम बैरियर से जाएंगे तो ये हमारे पास जो रहे। अब सर्विस के केस में क्या होता है, देखो क्योंकि सर्विस के केस में क्या कर रहे हैं, सर्विस जो है टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, तो बेटा यहां पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लीजिए यूएसए में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यूएसए में व्यक्ति बैठा है और ये दिल्ली के पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक के पहले जो सर्विसेज है वो कस्टम स्टेशन से जाएंगे, जी नहीं, मुझे आपको ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए मैं एक सर्वर की हेल्प लेता हूं और ये सर्विस प्रोवाइडर कहां पर है, जो सर्वर प्रोवाइडर है वो कहां पर बैठा है, यूएसए में, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, मुझे सर्विस इंडिया में मिल गई, सर्वर की, काम खत्म। यहां पर कस्टम स्टेशन कहां से आया, नहीं आया, बट क्योंकि ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो बेटा यहां पर कस्टम स्टेशन नहीं है, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, तो यहां पर डायरेक्टली जो यूएसए का व्यक्ति है वो दिल्ली के व्यक्ति को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, यहां पर कस्टम बैरियर नहीं होगा। तो जब मैं गुड्स की बात करता हूं तो पहले यहां पर ब्रेक हुआ, पहले गुड्स का हम लेंगे फ्रॉम यूएसए टू इंडियन कस्टम स्टेशन मुंबई, जो भी कस्टम स्टेशन है, मैंने मुंबई का एग्जांपल लिया, फिर उसके बाद उसको जैसे जैसे आप अलग अलग स्टेट या सिटी में ट्रांसफर करेंगे तो वो आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी में कवर होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सर्विसेज आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप दूसरी कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं तो वहां कस्टम का काम कोई भी नहीं है, वो इंपोर्ट माना जाएगा और उस पर आपको, हाँ, इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, देयर इज नो कस्टम। तो यहां पर तो मजेदार है, यहां पर आपकी आईजीएसटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी तो लगेगी लगी, आईजीएसटी भी लगेगा, ठीक है, कस्टम भी लगेगा इस पर और इस पर आईजीएसटी भी चार्ज होगा, ठीक है। मगर ये जो सर्विसेज आपने इंपोर्ट की हैं, इस पर बेटा कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, कस्टम ड्यूटी गुड्स पर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, केवल इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, बराबर। तो वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो जब दो स्टेट्स के बीच में, अब दो पार्ट हो गए हमारे पास, लोकल मतलब इंडिया में, जब दो स्टेट्स के बीच में, दो यूनियन टेरिटरी या स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तो इसे कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। एक इंपोर्ट के केस में अगर गुड्स की बात है, अप टू कस्टम स्टेशन आपका जो इंपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आईजीएसटी है, मगर जब कस्टम स्टेशन से बाहर निकल जाएगा तो डिपेंड करता है, अगर वो विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी आईजीएसटी, अगर अदर स्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज होगा और अप टू इंडिया आईजीएसटी के साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी चार्ज किया जाता है, ठीक है जी। चलो, ये था पहला पार्ट। दूसरा, अब इसी में, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब अब ये जो आपको मैं दो तीन पॉइंट बेटा बताने जा रहा हूं जो लॉ में लिखे हैं, इनको सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लॉ ने कह दिया ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो है, मतलब चार्ज करो, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है। सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। So following supply of goods or services or both will be treated as interstate trade or commerce. Supplier located in India and place of supply is outside India. अब देखिए, because हमारा destination based tax है, ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, अभी तो import की बात कर रहे थे, तो बेटा basically this is what export. तो पहला point क्या है कि person कहाँ पर है, जो supplier है ये है India में, say Delhi, ठीक है, और जो रिसीवर है, चाहे गुड्स का है या सर्विसेज का, रिसीवर ये है यूएसए में, ठीक है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई,
ओके और ये एग्जाम्पल किस चीज का है, ये एग्जाम्पल है बेटा एक्सपोर्ट का। टू और बाय दो पॉइंट हो गए, टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब जो टैक्स नेट से बाहर होता है, ठीक है, इसको टैक्स नेट से बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो अब मान ली दो व्यक्ति हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और दूसरा जो वहां पर लोग अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, सेस की बात करते हैं। तो अब देखिएगा, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाहे ये इंडिया में ही लोकेट, बट ऑब्वियस है ये इंडिया में ही लोकेटेड है अलग अलग प्लेस में, ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक, मान लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूपी में है, उत्तर प्रदेश इंडिया, ठीक है, और ये सप्लाई कर रहा है, सप्लाई, ठीक है, किसे, दिल्ली में, या फिर दिल्ली का सप्लायर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के में, ठीक है, रिसीवर को। तो बेटा ये भी क्या है इन्हें, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेसिकली अगर हम टैक्स पर्पस से बात करें, कहते हैं भाई ये भारत का हिस्सा नहीं है, इंडिया का ही है, मगर टैक्स पर्पस के लिए इसको बाहर, ठीक है, इसे दूसरी कंट्री, इसे टेरिटरी माना जाता है। तो जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सामान इंडिया के दूसरे हिस्से में आ रहा है तो बेटा इसे माना जाता है इंपोर्ट, इसको क्या माना जाएगा, इंपोर्ट, और इंपोर्ट तो हमने कहा इंटर स्टेट सप्लाई है। और जब दिल्ली इंडिया के किसी पार्ट से इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड सप्लाई या सर्विस सप्लाई की जा रहे हैं तो बेटा इसको ट्रीट किया जाता है एक्सपोर्ट, इसको ट्रीट किया जाता है एक्सपोर्ट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहे सप्लाई ले, मतलब ये वाला पार्ट, या सप्लाई दे, मतलब ये वाला पार्ट, तो चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लायर है, ठीक है, या फिर रिसीवर है, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अगर वो सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए वो हो गया एक्सपोर्ट, मतलब अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैं सर्विस दूंगा तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा सर्विस की, ठीक है। और अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई कुछ मुझे गुड्स दे रहा है, ठीक है, मैं उनके साथ डील कर रहा हूं तो बेटा इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, इसको इंटरस्टेट सप्लाई, तो ये मैं ले रहा हूं मतलब वो दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया उनका, हमारा, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग अ इंटरस्टेट सप्लाई और नॉट कवर एल्सवेयर इन दिस सेक्शन, अब ये बेकार है, ठीक है, कहते हैं अगर कहीं और नहीं लिखा और वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, ठीक है, और ऊपर कहीं नहीं लिखी, तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मान लेंगे, तो ये रेजिडरी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब फॉलोइंग सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, कहते हैं अब जो नीचे लिखा है वो इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई, तो बेटा इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ विद इन, ठीक है, यहां पर कारण ये है क्योंकि अगर हम बात करें ये जो इंटरस्टेट सप्लाई है इसके ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए, इसके ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए, इसके ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए। एक्सपोर्ट पर तो आईजीएसटी नहीं लगता, ठीक है, इंपोर्ट पर लग सकता है, मगर पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, पढ़ाता, ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अभी हम ये बात नहीं करें टैक्स कितना लगेगा, अभी सिर्फ बात हो रही है क्या ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। नेक्स्ट, अब सेक्शन 8 में लिखा है फॉलोइंग सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है, मतलब नॉट लायबल टू आईजीएसटी। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर आर सेम और सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये देखो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको बेटा, ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखो ये ऑलरेडी ये सेक्शन 8 है आईजीएसटी का सेक्शन, यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है इंट्रा स्टेट, तो जब दो सेम दो स्टेट्स के बीच में सॉरी जब सेम स्टेट के बीच में ठीक है ट्रांजैक्शन होती है या सेम यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो उसको कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसके ऊपर क्या लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और ये जो ऊपर की ट्रांजैक्शन है इनके ऊपर क्या लगेगा हमारा, इनके ऊपर बेटा चार्ज होगा हमारा आईजीएसटी। नेक्स्ट, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। अब देखो आता आता उल्टा कह गया कि इंटरस्टेट की बेटा वही है जो ऊपर आपने तीन पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई। अब फॉलोइंग सप्लाई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट, तो अब जो नीचे पॉइंट लिखे हैं वो इंटरस्टेट नहीं है, मतलब ये क्या होंगे इंटरस्टेट होंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स
टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो यस, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई सप्लाई देता है या सप्लाई लेता है तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है. ये हमारी बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है. ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है. नेक्स्ट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है जो ट्रांजेक्शन हम इंटर स्टेट सप्लाई मान रहे हैं उसको इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे. मतलब ऊपर पॉजिटिव लिखा था, इंटर मानते हुए इंटर में उनको नेगेटिव कर दिया गया. व्हाई? बिकॉज दीज ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है, हाँ, एक नया एंट्री यहां पर मिला है, सप्लाई मेड टू टूरिस्ट, सप्लाइज टू ऑफ गुड्स मेड टू टूरिस्ट एज रेफर टू इन सेक्शन 15. तो सिर्फ याद क्या करना है, रेफर टू टूरिस्ट. ठीक है, तो जब टूरिस्ट को गुड सप्लाई किया गया तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई में नहीं माना जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा. और अगर बेटा इंटर स्टेट सप्लाई माना गया तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा. बराबर? ठीक है, चलो, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो भी बात की बात है, बात करें इंटर स्टेट या इंट्रा. तो इन शॉर्ट, इन दोनों सेक्शन को 7 और 8 का मिलाकर क्या बना, देखो, अगर दो स्टेट्स के बीच में है तो इंटर स्टेट, दो टेरिटरीज के बीच में है इंटर स्टेट, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में है तो इंटर स्टेट, सेम स्टेट के अंदर है, सेम यूनियन टेरिटरी में है तो वो है इंट्रा स्टेट. ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ जो डीलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा, उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कहा जाएगा. जो टूरिस्ट आता है इंडिया में घूमने उसको कोई सामान दिया जाएगा तो वो बेटा इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है. अब बात करते हैं इंपोर्ट की. जब गुड्स का इंपोर्ट होता है अप टू इंडियन कस्टम स्टेशन, जो सामने स्क्रीन पर है बेटा, ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा. उसके बाद कहां जाते हैं वो डिफरेंट है. अगर कस्टम स्टेशन से वो विद इन सेम स्टेट हैं तो वो इंट्रा स्टेट, अगर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो इंटर स्टेट. मगर जब सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, सो यहां पर ये वाइंड अप होता है हमारा लेक्चर. इसे समझना जरूरी था सो दैट जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं कराऊंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. क्योंकि अब कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो रिसीवर है वो लोकेशन क्या है. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं. सी, अब ये समय आएगा कि मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज. ठीक है, बहुत सारे, मैं दिल्ली में लोकेटेड हूं, बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो दिल्ली में है, मगर हो सकता है जो आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में बैठे देख रहे हो. तो यहां पर मैं तो सप्लायर हो गया, आप रिसीवर हैं, तो लोकेशन किसकी ली जाएगी ये चेक करने के लिए कि बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. और जो स्टूडेंट ऑलरेडी सर्विस टैक्स पढ़ा हुआ है जिन्होंने, तो वहां पर याद होगा आपके पास एक टॉपिक होता था प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज याद होगा. ठीक है, रूल 3, रूल 4, रूल 5, लास्ट आता था एक रूल हमारे पास 14 के लेटर इज बेटर. ठीक है, बाल कटाने जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई सर्विस दी गई, तो लगभग कुछ ऐसा ही टॉपिक हमारा पढ़ने में आएगा जो आने वाले, वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें से कम 2-3-4 क्वेश्चन आप एग्जाम में बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो चलिए लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेक्चर नहीं रहेगा, मल्टीपल लेक्चर्स रहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अंडर IGST एक्ट. ठीक है, और ये हमारा CGST में भी एप्लीकेबल होता है. Till then, keep learning. All the best.